हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होती है। एमएसएमई सेक्टर ना सिर्फ ये लार्ज सेक्टर और बड़े एंटरप्राइजेस के लिए एक रॉ मटेरियल का सोर्स बनी होती है, एक लिंकेज का सोर्स बनी होती है, बल्कि ये सोसाइटी के साइड भी डायरेक्टली लिंक होती है। एमएसएमई सेक्टर ना सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी क्रिएट करता है, बल्कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी बना होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। हालांकि कोरोना वायरस के दौरान में एमएसएमई सेक्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक इकोनॉमिक पैकेज दिया है। इस इकोनॉमिक पैकेज में काफी भारी भरकम अमाउंट दी तो जरूर गई है, लेकिन इसका इफेक्ट हमें ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। रिसेंट में एटलस साइकिल बंद हो गई है और एटलस साइकिल के बंद होने के कारण से काफी ज्यादा लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है और वो ऐसी कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया है, जिसके कारण से एमएसएमई सेक्टर में लगातार प्रॉब्लम आती रह रही है। तो स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल और टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एमएसएमई सेक्टर को अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक सर्वे किया गया है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया, एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सर्वे 46,525 एमएसएमई सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड और कॉर्पोरेट सीईओ ने पार्टिसिपेट किया और यहां पर 35% ऑफ द एमएसएमई और 37% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि जो एंटरप्राइज है हमारी वो अब बियॉन्ड रिकवरी है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो आज नहीं तो कल बंद होने वाली है। इसके अलावा 32% ऑफ एमएसएमई सेक्टर ने कहा कि देखिए हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे जो रिकवर करने में हमें टाइम लगने वाला है। उसके अलावा 12% लोगों ने कहा कि हमें 3 महीने या उससे कम समय लगेगा रिकवरी के लिए, लेकिन इसमें भी लगभग 3% एमएसएमई, 6% कॉर्पोरेट और 11% सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट भी थे, जिन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ये जितने भी एमएसएमई, कॉर्पोरेट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट थे, ये एसेंशियल सर्विसेज में काम करते थे। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर छोटी मोटी जो भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, उन सारी चीजों में ये बेसिकली बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस कारण से इन पे कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुई, लेकिन एक गवर्नमेंट के साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ी है, लेकिन ऐसा सच इनको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो देखिए एमएसएमई सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 45% शेयर होल्ड कर रहा होता है, एक्सपोर्ट में 40% शेयर होल्ड करता है, जीडीपी में नियर अबाउट 29% कंट्रीब्यूट करता है और इंप्लॉयमेंट नियरली 11 करोड़ लोगों को दे रहा होता है। इसके प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करें तो देखिए प्रॉब्लम को हम लोग 2 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी इस पूरी की पूरी इशू को। प्री कोविड में अगर प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के दौरान में लोगों के पास पैसा होते हुए भी पैसा नहीं था, जिसके कारण से जो एमएसएमई सेक्टर की पूरी लिंक होती है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्शन, ये पूरी लिंक बिखर गई, टूट गई, जिसके कारण से जो एमएसएमई सेक्टर है ये प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ चूंकि ये छोटे एंटरप्राइज थे, जिसके कारण से जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसकी भी मार इन्हीं लोगों को पड़ी। यही लोग जीएसटी को फाइल करने में, जीएसटी को समझने में कॉम्प्लेक्सिटी फील की और अल्टीमेटली इनके बिजनेस पे काफी ज्यादा एक इफेक्ट देखने को हमें मिल जाता है। साथ में बैंकों के एनपीए ज्यादा होने के कारण से इनको लोन लेने में काफी दिक्कत हो गई। लोन मिलने से प्रॉब्लम होने के कारण से एक फाइनेंशियल जो पैकेज मिल सकता था, फाइनेंशियल जो हेल्प मिल सकती थी वो नहीं मिली, जिसके कारण से एमएसएमई सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल थी वो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रुक गई। दूसरा सेक्टर आता है हमारा एनबीएफसी का सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का सेक्टर। लेकिन आईएलएनएफसी के फेलियर के बाद, दीवान हाउसिंग के फेलियर के बाद एनबीएफसी सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस आना शुरू हो गया, जिसके कारण से जो इन्वेस्टमेंट की सेकेंड लिंक थी वो लिंक भी कहीं ना कहीं पर फेल होती हुई दिख गई।
इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी एमएसएमई सेक्टर धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा था, लेकिन उसके बाद से कोरोना पीरियड आ जाती है जो इनकी प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्जैजरेट कर देती है। एग्जैजरेट करने का इफेक्ट हमें देखने को मिला पोस्ट कोविड में, ड्यूरिंग कोविड में भी कह सकते हैं। और यहां पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया लोकल सर्वे के द्वारा। ये लोकल सर्वे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोशल मीडिया के जरिए सर्वे कर रही होती है। इस सर्वे को अप्रैल में किया गया था और वहां पर यह पॉइंट आउट किया गया कि 74% ऑफ जो स्टार्टअप है या स्मॉल बिजनेस है वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें अपने बिजनेस को शटडाउन करना पड़ेगा या अगले 6 महीने में ये शटडाउन अपने आप हो जाएगी, यानी कि एमएसएमई सेक्टर आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी क्योंकि हमें कोरोना प्रॉब्लम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ड्यूरिंग द कोरोना प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करें तो यहां पर हमें एक डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिला है ओवर द गवर्नमेंट के एमएसएमई पैकेज में जो कि आत्मनिर्भर भारत में दिया गया है। इन पर्टिकुलर एट द लैक ऑफ फिजिकल सपोर्ट विच वुड शेयर सम ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेक्टेड बाई द पैंडमिक लॉकडाउन इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट प्रपोजल ऑन क्रेडिट गारंटी हैज लिमिटेड रेलिवेंस फॉर द सेक्टर एज अ होल गिवन दैट ओनली अ लिटिल अबाउट 15% ऑफ द 70 लाख करोड़ एमएसएमई क्रेडिट डिमांड वॉज मेट बाई फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल। होता क्या है, जितने भी फाइनेंशियल चैनल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, दूसरा होते हैं इनफॉर्मल। जो हमारी एमएसएमई सेक्टर होती है वो बेसिकली इनफॉर्मल साइड में ज्यादा जा रही होती है। फॉर्मल साइड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कोलेटरल देना पड़ता है, कोलेटरल के अलावा एक प्रेशर रहती है, प्रेशर के साथ साथ में इनका जो क्रेडिट रैंकिंग होती है उस क्रेडिट रैंकिंग के बेसिस पर इनको लोन मिल पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जा रही होती है, जिसके कारण से यहां पर सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो कि एमएसएमई सेक्टर को पैकेज भी दिया गया अपने आत्मनिर्भर वाले स्कीम में। इस स्कीम में 15% ही केवल लोगों को फायदा हुआ, 15% ही केवल और केवल फाइनेंशियल जो क्रेडिट ले सकते थे वो क्रेडिट ले पाए थे। इस आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करें तो एक साइड में लोन पैकेज दिया गया था, दूसरे साइड में एक अट्रैक्टिव पॉइंट दिया गया था जो था मोराटोरियम। मोराटोरियम में होता यह है कि आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती है, लेकिन बाद में यह सारा इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है और वो प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली इंस्टॉलमेंट की तरफ चली जा रही होती है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि लोन और ज्यादा महंगे हो जाते हैं, बट इससे फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि इंस्टेंट लाभ मिल जाता है, इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है, इंस्टेंट एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मिल जा रही होती है जो कि जितने भी एमएसएमई सेक्टर वाले होते हैं वो इसी चीज को देख रहे होते हैं। ये जो मोराटोरियम है बेसिकली वो लोन इंस्टॉलमेंट में तब्दील हो जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कैश फ्लो प्रॉब्लम को भी ब्रेक किया है। कैश फ्लो प्रॉब्लम ब्रेक होने के कारण से प्रॉब्लम ये निकल के आई है कि जो मनी है वो कस्टमर टू एमएसएमई सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर टू अदर सेक्टर ये आगे फ्लो नहीं कर पाया है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैंक ही है क्योंकि बैंक पूरी तरीके से जो इनको लोन अमाउंट देनी है वो लोन अमाउंट नहीं देते हैं। लोन अमाउंट देने के लिए जो बैंक यूज करते हैं वो यूज करते हैं इनका क्रेडिट स्कोर, और इस क्रेडिट स्कोर में ये देखा जाता है कि कितने लोगों ने सही समय पे इंस्टॉलमेंट अपनी कंप्लीटली दे दी है। तो इस लोन अकाउंट के कारण से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ द सेक्टर्स को ये बेनिफिट मिला, जिसके कारण से अगेन जो एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में इंजेक्ट करनी चाहिए थी वो इंजेक्ट नहीं हो पाती है। अब मोराटोरियम जस्ट एक सर्वाइवल टाइम के बेसिस पे इन लोगों को मिल जा रहा होता है, लेकिन आज की डेट में जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, जो कंपनी है उसके पास में अब इतना पैसा भी नहीं बचा है कि वो अपने इंप्लॉयज को अब पैसा दे सके, और इसके कारण से जो कैपिटल एक्सपेंस आज की डेट में हो गई है कंपनी को रन करने के लिए, वही कंप्लीट कर पाना, उसी को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लोन अमाउंट नहीं बल्कि इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कि इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट ने अगर उसको मिनिमाइज किया रहता, उसको अगर थोड़ी सी लोन सब्सिडी स्कीम दी रहती तो वो ज्यादा अच्छा एक अट्रैक्टिंग फैक्टर होता एमएसएमई सेक्टर के लिए, बजाय कि कोलेटरल फ्री लोन, क्योंकि कोलेटरल फ्री लोन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट स्कोर, वो बैंकिंग एक्टिविटी को जरूर इन्वॉल्व कर लेता है जो कि अपने आप में खुद एक एनपीए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुद्रा स्कीम ऑलरेडी देयर है जहां पर कोलेटरल फ्री लोन जरूर दिया जा रहा होता है, लेकिन यहां पर अगेन कितने एनपीए क्रिएट हुए मुद्रा के कारण से वो अभी गवर्नमेंट ने शो नहीं किए, उसका डेटा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इस कारण से जो बैंक एनपीए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस एनपीए प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि हमारी जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो आगे लोन देने से अब कतराए। इस कारण से जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रही है।
तो इसके लिए आती है आरबीआई हमारी। आरबीआई ने क्या आखिर में किया एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियल इंजेक्शन देने के लिए, इन्होंने क्या किया कि जो बैंक को पैसा दिया जाता है रेपो रेट के जरिए उसको इन्होंने लोअर कर दिया। रेपो रेट को कम करने के कारण से बैंक अब इजी लोन ले सकते थे आरबीआई से, पैसा ले सकते थे आरबीआई से, लेकिन इन्होंने पैसा लिया तो जरूर लेकिन इन्होंने पैसा आगे डिलीवर नहीं किया, क्योंकि अगेन एक प्रॉब्लम थी, वो थी एनपीए प्रॉब्लम। रेपो रेट को कम करने के कारण रिवर्स रेपो रेट भी अपना कम हो गया और इस कारण से बैंक अब आगे लोन प्रोवाइड, लोगों को लोन देने की बजाय अपना पैसा खुद वो आरबीआई में पार्क करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये ज्यादा सेफ मोड कह सकते हैं, जहां पर बैंक अपने अमाउंट को ज्यादा सेफ रख सकते हैं बजाय इसके कि वो लोन लोगों को दे। इस कारण से जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर और बाकी के सेक्टर को जानी चाहिए थी, वो एक्चुअल में बैंक अब आरबीआई को वापस से देना शुरू कर दिया और ये जो साइकिल ब्रेक होनी चाहिए थी वो साइकिल ब्रेक नहीं हो पाए। आज भी जो फाइनेंशियल सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लगातार अभी भी प्रॉब्लम फेस करते ही रह गए। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट साइड की भी फेलियर आ जा रही होती है और वो गवर्नमेंट साइड की फेलियर ये आ जाती है कि इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक लॉ बना के रखा हुआ है कि जो एमएसएमई सेक्टर डिफेंस में या कुछ अदर एसेंशियल आइटम और कुछ अदर चीजों में काम कर रही होगी तो गवर्नमेंट इन एमएसएमई सेक्टर के जो प्रोडक्ट है उनको ये परचेज करेगी, प्रोक्योर करेगी। इस प्रोक्योर करने के दौरान में ऐसा नहीं होता है कि तुरंत के तुरंत इनको पेमेंट दे दी जाती है, इनके पेमेंट को क्रेडिट फॉर्मेट में दिया जाता है, आगे ये रोक लिया जाता है, बाद में दिया जा रहा होता है। तो इस कारण से काफी ज्यादा पेमेंट्स अभी पेंडिंग रह गई है, जिसके कारण से जो कॉन्फिडेंस एमएसएमई सेक्टर में था वो अब लूज होना शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट अभी प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टेड है, गवर्नमेंट ने अभी तक वो पैसा वापस नहीं किया है। एमएसएमई सेक्टर आर नॉट इवन कन्विंस्ड बाय द गवर्नमेंट एश्योरेंस ऑफ ड्यू क्लियर इन 45 डेज। गवर्नमेंट कहती है कि 45 डेज में मैं आपके पैसे को पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया, जिसके कारण से अगेन एक जो ट्रस्ट डेफिसिट प्रॉब्लम है वो अब सामने आना शुरू कर दी। लास्ट ईयर सितंबर में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जीसी मुर्मू ने यह कहा था कि गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग है एमएसएमई सेक्टर की, जो नॉन लिटिगेटेड है, जिसके लिए कोई केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नियर अबाउट 60,000 करोड़ है, जिसमें से 40,000 करोड़ का पेमेंट क्लियर कर दिया जा चुका है, 20,000 करोड़ अभी भी बची हुई है। तो ये प्रॉब्लम दिखा रही है कि कितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट प्रॉब्लम अभी भी एमएसएमई सेक्टर में आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब उनके ड्यूज को क्लियर नहीं कर रही है। एस्टिमेट के हिसाब से जो IIMO ने किया था उसमें 30% आउटस्टैंडिंग ऐसे हैं जो लगभग 120 डेज को ओवर कर चुके हैं, 20 डेज से ऊपर जा चुके हैं। 45% ऐसे हैं जो 60 to 120 days में क्लियर किए गए हैं और बाकी जो बचे हुए 25% है वो 60 डेज में, कम से कम 60 डेज लगे हैं इनको क्लियर करने में। बाकी जो अमाउंट है 60% इज पेंडिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर देयर एंटरप्राइजेस। तो हम देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का जो एक्चुअल में पैसा है, जो इनकी प्रोडक्ट है, वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट साइड्स में फंसी हुई है, गवर्नमेंट इनके पेमेंट को क्लियर नहीं कर रही है, जो कि अपने आप में गवर्नमेंट साइड की एक बहुत बड़ी फेलियर है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, अगर ये ट्रस्ट प्रॉब्लम रहेगी, तो ना तो एंटरप्राइजेस रन कर पाएंगे और ना ही लेबर इन एंटरप्राइजेस में जाकर के काम कर पाएगा। तो द मेन प्रॉब्लम इज द ट्रस्ट, नॉट द फाइनेंशियल इंजेक्शन, जहां पर एक्चुअल में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। अगर आपको कोई इशू होते हैं, कोई सजेशन होती है, कोई फीडबैक होती है, तो आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम और ईमेल करके हमें सजेशन दे सकते हैं। इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर के इनको अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।